बाराबंकी जनपद में बहुत पुरानी याद एक बार फिर से ताजा हो गई, क्योंकि एक बार फिर से चौधरी चरण सिंह किसान विचार मंच के उमा शंकर वर्मा जी से मुलाकात हो गई। इस दौरान हमने उनसे बातचीत की कि आज किस कार्यक्रम का आयोजन था और किस वजह से आज उनके पदाधिकारी उपस्थित रहे। तो उन्होंने बातचीत में क्या कहा, आइए सुनते हैं और पूरा मामला विस्तार पूर्वक जानते हैं। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्य तिथि पर कार्यक्रम हुआ है और इस मतलब पुण्य तिथि पर डॉक्टर लोहिया को श्रद्धांजलि अर्पित के साथ किसानों की बात को उठाया गया, जिसमें किसानों को केंद्रीय कर्मचारियों, अधिकारियों और राज्य कर्मचारियों की तरह से किसानों के लिए संसद में किसान वेतन, चौधरी चरण सिंह किसान वेतन आयोग का गठन किया जाए और प्रत्येक किसान को 20,000 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाए तथा 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए कृषि कार्यों के दौर कृषि कार्यों के दौरान। आप जो मांग कर रहे हैं, क्या आपको मतलब जो विश्वास है कि सरकार की तरफ से सुना जाएगा, इस पे कार्रवाई होगी? ये विश्वास मुझको पूरा है, इसलिए विश्वास है कि मेरे संगठन ने 2005 में किसानों का कर्जा माफ करने की आवाज उठाई थी और 2008 में कांग्रेस की सरकार ने कर्जा माफ किया था। इसलिए मुझे विश्वास है कि चौधरी चरण सिंह किसान वेतन आयोग का संसद में कानून अवश्य पारित होगा और प्रत्येक किसान को 20,000 रुपया प्रति माह वेतन और कृषि कार्यों के दौरान मृत्यु होने पर 20 लाख रुपया मुआवजा और मृतक किसान आश्रित को सरकारी नौकरी देने का कानून अवश्य पारित होगा और देना होगा। सर, ये कि सरकार ने किसानों के लिए गेहूं और धान का रेट निर्धारित किया है, 17 रुपया 18 रुपया तक निर्धारित किया है, लेकिन उसके बावजूद भी बिचौलियों के माध्यम किसान आज भी 8-10-9 रुपए में बेचने के मजबूर है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में यही है कि किसानों को कम से कम सातवें वेतन आयोग के अनुसार उनको जो है दिया जाए कृषि उत्पादों के दाम, और उस हिसाब से सातवें वेतन आयोग के अनुसार ही किसानों को जो है 5100 रुपया प्रति क्विंटल धान का रेट और 7600 रुपया प्रति क्विंटल जो है गेहूं का रेट दिया जाए, तब समस्याओं का समाधान होगा। और इससे किसानों का समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अगर सरकार ये 15 रुपया या 17 रुपया में गेहूं और धान बेचती है, खरीदती है या लेती है और 10-11 रुपये में धान खरीदती है, तो इसको बंद करके सीधे किसानों को वेतन दिया जाए, यही समस्या का सर, किसान पर कुछ भी कहिए, बहुत दिनों के बाद उमा शंकर वर्मा का जोरदार भाषण सुनने को मिल गया और जबरदस्त निशाना भी साध दिया गया। अब इनकी समस्याओं का समाधान होता है या नहीं, या इनकी मांगों को सरकार सुनती है नहीं, वो तो आगे देखा जाएगा। पर कुछ भी कहिए, लेकिन लगातार सरकार पर निशाना साधते रहे और किसानों की समस्याओं को बताते रहे। फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए ABN News 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।